बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, अभी आप देख रहे मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का कुछ क्वेश्चन, ताकि ये क्वेश्चन जो है ये पूरी तरह से डिटेल हो सके। और इसके पहले लेक्चर जो विद्यार्थी नहीं देखे इसका थ्योरी, वो जरूर जाके देखें। उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, कुछ थ्योरी भी मैंने दिया है, ताकि दिक्कत नहीं हो सके, राइट। तो चलते हैं, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, या बीएससी या एमएससी या किसी कॉम्पिटेटिव की तैयारी करने वाले हैं, सीएसआईआर नेट गेट आईआईटी जैम या यूपीएससी में मैथमेटिक्स पोस्टर लेके अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है जो आपके डिटेल से थ्योरी के साथ अवेलेबल किए जा रहे हैं, राइट। तो एक सामने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके पहले लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है पॉइंट टू पॉइंट, राइट। देखिएगा जैसे इसका फॉर्म क्या है, मैंने लिखवाया था ये साइड में, हम फिर से को डिस्कस कर रहे हैं। डबल डिफरेंशिएशन प्लस पी इंटू डी वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। और जब इस टाइप का जब फॉर्म रहेगा, तो उसके लिए मैंने लिखवाया था बहुत सारा फॉर्म। जब वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो रहे तो ई के पावर एक्स मानेंगे, जब वन माइनस पी प्लस क्यू प्लस क्यू इक्वल टू जीरो रहे तो ई के पावर माइनस एक्स मानेंगे। फिर मैंने एक और फॉर्म लिखा है, देखिएगा एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। जब इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन, मैंने इस फॉर्म में मैंने ये भी मारा था कि एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, तो इस फॉर्म के लिए मैंने एक फॉर्म बताया था क्या, देन e के पावर एम एक्स का फॉर्म मानना हो। अब सवाल यहां पे है क्या कि अगर मान लिया यहां m है, अगर m के स्थान पर मान लिया तीन आता है, तो तीन का स्क्वायर यहां भी तीन, और इस सभी को p और q का वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन जीरो आता है, तो y और मानेंगे e के पावर थ्री एम, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर 2 है m के स्थान पर, तो यहाँ पे 2 रखना होगा e के पावर 2x, राइट। देखिए सबसे पहले तो हमको इस फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। हालांकि ऐसा ऐसा पार्ट मैंने 6 फॉर्म लिखवाया है कि कौन कौन सा फॉर्म के लिए हम क्या क्या टर्म सेट करेंगे, राइट। जरा देखते हैं, सबसे पहले डी वाई डी एक्स को अकेले करने के लिए x प्लस 2 से डिवाइड करना पूरा पार्ट में, देखेगी डी वाई डी एक्स, तो x प्लस 2 से हम डिवाइड अगर करते हैं तो यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 5 और यहां x प्लस 2 इंटू डी वाई डी एक्स और प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू वाई और यहां x प्लस 1 और यहां x प्लस 2 e के पावर x, राइट। देखिए y का कोफिशियंट p कहलाएगा, माइनस 2 इंटू x प्लस 5 और x प्लस 2 और q बराबर यहां पे आ जाएगा 2 अपॉन x प्लस 2 और ये पूरा फॉर्म r बराबर आ जाएगा जो सामने दिख रहा है। देखिए ये टर्म बोल कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्म मेरा किस टर्म में है, किसमें हम पुट करेंगे ताकि जीरो आएगा, इसको पता करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर अनुभव हो जाएगा कि किस फॉर्म पर मेरे ये क्वेश्चन का टर्म सुटेबल होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, राइट। तो देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं क्या कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर का फॉर्म अपनाते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस जहां मेरा एम था वहां पे 2 कर दिया, यहां भी क्या कर दिया 2p प्लस क्यू और इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 4 प्लस 2 और यहाँ p का वैल्यू मेरा सामने दिख रहा है, पीक वैल्यू है माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 और यहां पे है क्यू मेरा यहां पे है 2 अपॉन x प्लस 2। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या मेरा आता है, अगर जीरो आ जाएगा तो हम y बराबर e के पावर जो mx का फॉर्म है, यानी m के स्थान पर मैंने 2 मारा है, वो फॉर्म हमको सेट करना होगा, राइट। देखिएगा तो x प्लस 2 सेट करते हैं तो 4x प्लस 8 माइनस 4x और यहां पे आ जाएगा माइनस 10, तो यहां पे है x प्लस 2 माइनस 4x
और माइनस टेन, राइट, ये सही है। और यहाँ पे प्लस टू। अब यहाँ पे देखिए, ये तो 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे का फॉर्म है कि 8 और प्लस टू 10, 10 माइनस 10 क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो आ गया। यानी ये फॉर्म मेरा सेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो 2 स्क्वायर था, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे m स्क्वायर था 2 का स्क्वायर प्लस 2 पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो का फॉर्म आ गया। यानी यहाँ पे एम के यहाँ पर कितना मैंने माना है, 2 मैंने माना है। तो यहाँ पे फॉर्म हम आगे बढ़ाने के लिए एक फॉर्म अपनाएंगे, y इक्वल टू वी ई के पावर एम एक्स। तो यहाँ m है, लेकिन m के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया, e के पावर 2x। अब इसका हमको डिफ्रेंशिएट करना है एक बार, फिर दो बार, ऐसा ही डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, राइट। चलते हैं, डिफ्रेंशिएट का फॉर्म हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार जब डिफ्रेंशिएट किया गया तो यहाँ पे u इंटू वी का u इंटू वी यानी e के पावर डिफरेंशिएशन e के पावर 2x इंटू 2 प्लस, फिर देखिए e के पावर 2x आगे आ जाएगा और v का dv by dx, राइट। ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो जरा देखिएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये तो मेरा कॉन्स्टेंट पार्ट है, इसको बाहर कर देते हैं। फिर u इंटू वी में, तो वी e के पावर 2x इंटू 2 प्लस e के पावर 2x आ गए और v का dv by dx का फॉर्म आ गया, प्लस फिर यहाँ u इंटू वी e के पावर 2x, फिर यहाँ ये आ गया dv dx स्क्वायर प्लस dv by dx e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x इंटू 2, राइट। इसको दो से मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या आ गया, 4 वी ई के पावर 2x, यहाँ पे 2 ई के पावर 2x dv by dx प्लस ये फॉर्म है e के पावर 2x, और ये जो टर्म है वो ऐसे रहेगा 2 e के पावर 2x dv by dx, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, डबल डिफरेंशिएशन तो अकेले है, उसको हम अकेले लिख देते हैं 2x ऐसे का पार्ट, और सिंगल डिफरेंस, ये दोनों एक ही है, इसीलिए दोनों एक ही है तो जुड़ जाएगा, तो 4 e के पावर 2x dv by dx, और ये है 4 भी e के पावर 2x। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि जो मेरा ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम एक एक करके पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं, जिसे डबल डिफरेंशिएशन आया, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ गलती कर दिया है, यहाँ डबल डिफरेंशिएशन पार्ट है ना, छूट गया है, राइट। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन सिंगल, तो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू ये पूरा पुट कर देंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन है ये पूरा पुट कर देंगे, y का जो वैल्यू है ये अलग पुट कर देंगे, बाकी सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए, पर यहां तक क्लियर हो गया है, चलिए इसको पहले इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, राइट। हाँ, अब चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट में क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन है, तो डबल डिफरेंशिएशन वैल्यू ये पूरा पुट कर दे रहे, e के पावर 2x डबल डिफरेंशिएशन प्लस 4 e के पावर 2x dv by dx 4 v e के पावर 2x माइनस 2x प्लस 5 ax प्लस 2, और सिंगल डिफरेंशिएशन है तो सिंगल ये वाला पूरा है, टू वी ई के पावर 2x ई के पावर 2x डी वी वाई डी एक्स, राइट, प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, और y का वैल्यू पुट करेंगे वी ई के पावर 2x, और बराबर के जो साइड में है वैसा ही रह जाएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ई के पावर एक्स, राइट। देख लिया जाए तरीके से, देखिएगा, सबसे पहले इसमें हम एक काम क्या करते हैं, e के पहले तो हम प्रत्येक में से e के पावर 2x e के पावर 2x e के पावर 2x सब में से कॉमन कर लिया, e के पावर 2x प्रत्येक से कॉमन किया गया,
जब कॉमन किया गया तो क्या बचेगा, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन प्लस फोर डी वी वाई डी एक्स प्लस फोर वी माइनस यहां पे हो जाएगा क्या, टू एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस टू। अब ये जो है मल्टीप्लाई इसमें भी कर देते हैं, टू भी में, टू भी माइनस इसको भी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो ये क्या 2x प्लस फाइव और x प्लस टू डी वी बाई डी एक्स, राइट डी वाई डी एक्स, ये तो हो गया, कहीं कट नहीं रहा है, प्लस ये तो कॉमन हो गया तो बचा हुआ पार्ट ये है, प्लस टू भी और x प्लस टू, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू, इक्वल्स टू जो टर्म बचेगा वो ऐसे ही खाएगा, x यहां ब्रैकेट देते हैं, x प्लस वन और x प्लस टू e के पावर x। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये अगर डिवाइड में लाते हैं तो यहां पे जो है क्या e के कटने के बाद e के पावर माइनस x आ जाएगा। देखिएगा ये टर्म को हम अगर सेट करते हैं या फिर इसी लाइन में हम लिख देते हैं, देखिएगा उतना लंबा लिखने का मतलब है कि थोड़ा सा तो जगह देखना पड़ेगा, सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, ठीक है थोड़ा सा कैमरा हम साइड में कर देंगे, ज़्यादा बढ़िया होगा, अच्छा भी हो जाएगा। चलिए अब इसमें काम करते हैं, इससे दो गो से कटेगा लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा जाए कैसे, देखिएगा डबल डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर प्लस ये है डी वी बाई डी एक्स और ये भी है डी वी बाई डी एक्स, इसको हम एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे फोर माइनस टू एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस टू और डी वी बाई डी एक्स, ये वाला और ये वाला कॉमन कर लिया, फिर बचा हुआ पार्ट ये और ये तीनों एक साथ कर लेते हैं, ठीक है इसमें से भी कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे फोर माइनस टू एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस टू, फिर प्लस भी कॉमन अगर कर लेते हैं तो टू अपॉन एक्स प्लस टू यहाँ पे भी, और यहाँ एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू ई के पावर एक्स और यहाँ ई के पावर टू एक्स, बेस सेम है, डिवाइड में पावर घटेगा तो घट के कितना आएगा वो देखते हैं। पहले तो ये डबल डिफरेंशिएशन है मैंने लिख दिया, इसका एलसीएम लेके देखते हैं, एक्स प्लस टू है तो यहाँ फोर एक्स और प्लस एट माइनस टू एक्स माइनस फाइव, यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, यहाँ भी देखते हैं एलसीएम तो एक्स प्लस टू तो यहाँ पे होगा फोर एक्स प्लस एट माइनस टू एक्स माइनस फाइव प्लस टू और यहाँ पे भी राइट एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू और ई के पावर माइनस एक्स, राइट। फोर एक्स और टू एक्स, टू एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू और डी वी वाई डी एक्स, फिर यहाँ पे एक काम, फोर एक्स में टू एक्स, यहाँ टू एक्स बचेगा, अच्छा आठ आठ और दो दस, दस में से पाँच जाएगा तो पाँच बचेगा, और यहाँ एक्स प्लस टू इंटू वी, और ये जो टर्म है एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू e के पावर माइनस एक्स, देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं है, कहीं डॉट तो नहीं है, वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। एक लाइन यहाँ पे गलती हो चुका है, एक लाइन गलती क्या हो गया है कि यहाँ पे टू छूट गया है इंटू टू, और टू छूटने का मतलब है कि दो से मल्टीप्लाई दोनों हो जाएगा, तो यहाँ लिखा है क्या फोर एक्स और यहाँ टेन, यहाँ पे टू छूटा हुआ था, ये वाला टू जो है ना यहाँ पे नहीं लिखाया था। अब यहाँ पे देखिएगा फोर एक्स से फोर एक्स कैंसिल, एट और टू टेन, टेन और टेन क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, ये पूरा फॉर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में इतना जीरो आ जाएगा, राइट। तो बचेगा एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू ई के पावर माइनस एक्स,
देखिए अब ये फॉर्म जो है आगे बढ़ाते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ये है 2x+3 और x+2 और dvdx x+1 x+2 e^x। अब यहाँ पे का फॉर्म हम थोड़ा सा दिखाते हैं क्या, dydx लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में py=q। जब इस तरह का फॉर्म रहे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e^p(dx)। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा उसके लिए फिर उसके बाद फॉर्मूला y(IF) इंटीग्रेशन q(IF)dx+c ये वाला फॉर्म अपनाते हैं, राइट। देखिए ये फॉर्म कैसे हम सेट करेंगे इसमें जरा देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म अपनाने से पहले इसको हम इस फॉर्म में लाते हैं, कैसे लाते हैं तो देखिएगा, पहले dvydx को हम मान लेते हैं p मान लेते हैं या कुछ और मान सकते हैं क्योंकि p तो ऑलरेडी क्वेश्चन शामिल है, इसको z मान लेते हैं, z मान लिया। इसका एक बार और हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आएगा dz/dx का फॉर्म आएगा। अब यहाँ जो फॉर्म आया है देखिए ये फॉर्म तो आ गया है, अब इस फॉर्म से हम टर्म आगे बढ़ाते हैं कैसे। देखिए डबल डिफरेंशिएशन को मैंने dz/dx लिख सकते हैं, ये आप लिख देते हैं, डबल डिफरेंशिएशन को लिखते हैं dz/dx प्लस यहाँ पे क्या है 2x+3 और x+2 ये वाला फॉर्म है और सिंगल डिफरेंशिएशन को जेड माना है, जेड मान लिया और यहाँ x+1/x+2 e^x का फॉर्म है, राइट। अब इसी फॉर्म में मेरा सेट हो गया, ये देखिए ये वाला सिंगल है और y है, यहाँ z लिखा गया है, p बराबर लिख सकते हैं इतना, यानी p बराबर हो जाएगा 2x+3/x+2 और q बराबर ये पूरा पार्ट हो जाएगा, यानी x+1 और x+2 e^x। P और Q क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम IF निकालेंगे यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो हम ये साइड में हम पूरा मिटा देते हैं, राइट। निकालते हैं कैसे यार, देखिए देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्म कैसे बनाएंगे, IF बराबर e^p(dx) इंटीग्रेशन पी मेरे कितना है, पी मेरे इतना है, यानी 2x+3/x+2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम थोड़ा सा रफ में इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं कैसे होगा, 2x+3 और x+2 dx। इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन का फॉर्म का उपाय लगाना ये पड़ेगा कि अगर कुछ फॉर्म अगर हम सेट करते हैं टर्म बन जाता है तो देखते हैं। अगर मान लिया 2 डिवाइड करके कर टर्म सेट कर रहे हैं 1/x+2 dx, यहाँ पे प्लस करना होगा लगा साइड, ठीक है ये नहीं माइनस ठीक है हो जाएगा। अब इसके बाद जरा देखिएगा, देखिए इसको पूरा का सोल्यूशन करें तो नहीं आ जाएगा, अब इसमें हम दोनों ने तो 2 तो बाहर होगा, अब देखिए ऐसे 2 बाहर होगा इंटीग्रेशन लगा रहे हैं ऐसे 1/x+2 तो मतलब यहाँ पे 2 है, dx का x हो जाएगा 1/x का log x हो जाएगा x+2, यानी ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली देते हैं इसका इंटीग्रेशन e^ इस पूरा का इंटीग्रेशन आया है 2x-log x+2, राइट। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो सामने यहाँ पे दिख रहा है फ्रेश रूप में, क्लियर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला का रूप। हालांकि इसमें हम और आगे हम टर्म सेट कर सकते थे, क्या सेट कर सकते थे देखिएगा यहाँ पे से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्म सेट क्या कर सकते हैं, e^ जो 2x है e^ जो -log x x+2, ये पावर का पार्ट आ गया जाएगा ऐसे, पावर का पावर में चला जाएगा, मतलब e^log x+2 और माइनस e और log दोनों कैंसिल होगा, तो जो टर्म बचा है वो इसको लिख देंगे, तो e^2x बचा है x+2 - 1, माइनस पार्ट आने के नीचे कर देते हैं तो e^2x डिवाइड में x+2, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का छोटा रूप जो एकदम परफेक्ट रूप में लाया है। अब इसके बाद आइए बाई फॉर्मूला, जो यहाँ पे फॉर्मूला जो मैंने बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद ये वाला फॉर्म देखिएगा, बाई फॉर्मूला
वाई इंटू आई एफ, तो यहां वाई के स्थान पर क्या है, वाई के अंदर जेड है, क्या लिखा है, जेड इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो जेड मेरा है, जेड तो जेड ही है, जेड तो यहाँ डी वी बाई डी एक्स है, डी वी बाई डी एक्स है। अच्छा आई एफ का वैल्यू कितना है, आई एफ का वैल्यू है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ई क्या अपॉन टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। फिर देखिएगा इक्वल टू क्यू मेरा कितना है, तो क्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं एक्स प्लस टू, और लेकिन यहाँ पे क्यू जो है ना माइनस में होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, छूट जा रहा है, यहाँ भी माइनस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा माइनस छूट जाएगा, थोड़ा गड़बड़ है, कमेंट कीजिएगा जहाँ पे अगर डॉट रहे, ठीक है। क्यू का वैल्यू है एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू ई के पावर माइनस एक्स, आई एफ का वैल्यू यहाँ पे सामने है ई के पावर टू एक्स और एक्स प्लस टू डी एक्स, राइट। अब जरा देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो x प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। ये तो है डी वी बाई डी एक्स का पार्ट ऐसा ही रह जाएगा, e के पार्ट टू एक्स, थोड़ा सा बड़ा सोल्यूशन तो होगा, हालांकि थोड़ा ध्यान दिया तो बेस से में पावर जुटेगा तो e के पावर x आ जाएगा, और यहाँ x प्लस वन और x प्लस टू का होल स्क्वायर, राइट। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, और आगे हम दिखाते हैं इसमें मेन टर्म क्या 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 बनेगा। इस फॉर्म को जरा देखते हैं, डी वी वाई डी एक्स ई के पावर टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, इसका फॉर्म सेट करते हैं ई के पावर एक्स। देखिए इसको सेट करते हैं कैसे, वन अपॉन एक्स प्लस टू और वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं और सोल्यूशन पूरा करते हैं तो इतना पूरा पार्ट आ जाए, राइट। मतलब इस टर्म को, इस टर्म को मैंने दो पार्ट में कर दिया है। अब यहाँ पे ये पार्ट मैंने इसीलिए किया है ताकि मेरा सॉल्यूशन हो, और ये कौन सा फॉर्म सेट करेगा, देखिए हम यहाँ फॉर्म लिख दे रहे हैं। एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट में 12 क्लास से पढ़ना था, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पे मैंने क्या अपनाया है कि ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, मतलब e के पावर x तो फिक्स है और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश है, तो जिसका डिफरेंशिएशन होगा वही यहाँ पे आंसर दिखाता है। तो ऐसा ही यहाँ भी टर्म देखिएगा, यहाँ डी वी वाई डी एक्स ई के पावर टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, राइट। यहाँ पे कट रहा है, कट रहा है, तो ऐसा करते हैं कि ऊपर ही लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा करके लिख ही सकते हैं ना, डी वी वाई डी एक्स e के पावर टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। अब यहाँ e के पावर x है तो e के पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन हम एक आ जाएगा, तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है इस फॉर्मेट के तहत वही लिखाएगा यहाँ पे x प्लस टू और प्लस सी, राइट। जिसमें से x प्लस टू जो है कैंसिल होगा, तो इसमें नहीं है, इसमें इनटू में लिखा जाएगा, वहां पे टर्म मिटाते हैं, क्लियर। चलिए तो हम ये फॉर्म हम दिखाते हैं, सबसे पहले क्या इसमें होगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे डी वी वाई डी एक्स इंटू ई के पावर टू एक्स, एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया, बचेगा यहाँ पे ई के पावर एक्स, इसमें तो एक्स प्लस टू नहीं है तो इंटू भी लिखाएगा सी इंटू एक्स प्लस टू, राइट। अब इसके बाद एक काम करते हैं, जो डी एक्स है डी एक्स हम इधर कर देते हैं, तो बचेगा डी वी इंटू ई के पावर टू एक्स, और हालांकि सभी में e के पावर टू एक्स डिवाइड कर देते हैं तो बचेगा क्या, e के पावर टू एक्स, तो यहाँ बचेगा e के पावर माइनस एक्स बचेगा यहाँ पे डी एक्स, इसमें भी तो है ही नहीं, तो एक्स प्लस टू ई के पावर माइनस टू एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखिएगा मैंने क्या किया है, क्या किया है कि e के पावर टू एक्स को इधर डिवाइड मिला गया है, इसमें डिवाइड मिला, जैसे डिवाइड मिला तो ए वो कट जाएगा, तो ए को बचेगा नीचे, उसको ऊपर ले गया, इसमें नीचे था तो उसको ऊपर ले गया e के पावर टू एक्स, और dx डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन आया तो dv का v हो जाएगा, e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस एक्स कोफिशिएंट माइनस, राइट। और यहाँ पे c कॉन्स्टेंट पार्ट बाहर है, और यहाँ पे ऐसा ही आ जाएगा x प्लस टू ई के पावर माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स, राइट। ये तो हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं,
इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो मेन रूप आ जाएगा क्लियर रूप में। तो देखिए कैसे हम करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मा यूज करेंगे, माइनस सी के पर माइनस एक सी। अब यहाँ पे यू इंटू वी, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मा सेट करेंगे। तो यू मेरा x प्लस टू है, ई के पर माइनस टू एक्स का ई के पर माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस क्यू, यहाँ पे यू इंटू वी माइनस डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन यू का जो यहाँ पे एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, फिर इसका ई के पावर माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन, और ये हो गया इस टाइप से राइट। देखिए यहाँ पे का फॉर्म जो है ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे भी है माइनस ई के पावर माइनस एक्स, एक्स प्लस टू और ई के पावर माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस टू, कोफिशियन माइनस टू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन इसका तो वन आ जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा यानी वन, वैसा ही ई के पावर माइनस टू एक्स का माइनस टू कोफिशियन माइनस टू डी एक्स राइट। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे वी, हालांकि वी का वैल्यू कुछ माना गया होगा, वी का वैल्यू याद किया जाए कि क्या मैंने माना है, ए माइनस में एक्स प्लस टू और ई के पावर माइनस टू एक्स है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, पुनः ई के पावर माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस टू कोफिशियन दिखाएगा राइट इस तरह से आया, और प्लस सी सी वन लिख देते हैं क्योंकि सी तो पहले से एक है और एक सी वन आ गया, एक और कॉन्स्टेंट टर्म आया राइट, जिसमें से वाई का वैल्यू हम यहाँ पे टर्म पुट करेंगे, भी का वैल्यू टर्म पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे जरा देखिएगा, टर्म पुट करेंगे यहाँ से वाई इक्वल टू वी ई के पावर टू एक्स, इसको इधर डिवाइड में कर देंगे तो वाई अपॉन ई के पावर टू एक्स इक्वल टू वी राइट। यहाँ पे भी का वैल्यू, यहाँ पे भी का वैल्यू पुट कर देते हैं कितना, y अपॉन e के पावर 2x, अब e के पावर 2x ये साइड में कर देंगे तो y इक्वल टू e के पावर 2x और यहाँ पे का जो फॉर्म बचेगा माइनस e के पावर माइनस x प्लस c। अब यहाँ पे का जो फॉर्म है यहाँ पे माइनस x प्लस टू बाई टू e के पावर माइनस 2x माइनस e के पावर माइनस 2 और यहाँ पे 4 और प्लस यहाँ पे एक मिनट प्लस सी वन पूरा ब्रैकेट बंद। अभी के पावर टू एक्स प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा वही कंप्लीट मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए एक लाइन लिख देते हैं डायरेक्ट, वाई इक्वल टू इसको इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई के पावर एक्स प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सी माइनस एक्स प्लस टू, ये तो कैंसिल होगा एक्स प्लस टू बाई टू, फिर यहाँ भी कैंसिल होगा तो बचेगा वन अपॉन फोर प्लस सी वन ई के पावर टू एक्स राइट। ये मेरा कंप्लीट आंसर हो गया जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि जो है ना बढ़िया हो जाए, बेहतरीन हो जाए। चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है जो बनाना है, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि इसका भी सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कर सके राइट। तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नए क्वेश्चन नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और पढ़ते रहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो विद्यार्थी में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो सके प्रत्येक लेवल के लिए राइट। चलिए ठीक है।